इतनी सी बात करूंगा कि एलियाने पुंछ आपका शुक्रिया, और ये क्रेडिट एलियाने पुंछ को जाता है। ये तहरीक पुंछ ने स्टार्ट किया है, इस तहरीक के वारस पुंछ वाले हैं। ये बात हम हमेशा हर जगह कहते हैं, और आज मैं पुंछ के मुकाम पे भी ये बात दोबारा कहता हूं। जब एक क्रेडिट आपको मिलने जा रहा है तो आपको वो क्रेडिट लेना चाहिए। ये तारीख लिखी जाएगी पुंछ की, ये जज्बात से मामला हल नहीं होते। अच्छा लीडर वही होता है कि जो अपनी आवाम को बचाए, अपने टारगेट अचीव करे। जब हमने ये कह दिया कि इस एक्शन कमेटी की एक SOP है, जिसके अपने कोई नजरियात है वो अपने प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल करे। यहाँ पे किसी क्योंकि नजरियात, कोई सियासत, कोई और चीज नहीं चलेगी। अगर शौकत नवाज मीर आपको किसी जगह कोई सियासत करते नजर आता है, गरीबान से उठा के बाहर फेंके। लेकिन अवामी जो एहसासात हैं, अवाम के जो हकूक हैं, उनको खराब ना होने दें। खुदारा ये हम सब का मसला है। ये तहरीक वो है कि 76 सालों में हम तकसीम रहे। वजह क्या थी? मुझे उमर का चेहरा पसंद नहीं है, उमर को मेरा या मीरपुर का चेहरा पसंद नहीं है। ये बात हम लोगों ने नहीं की, हमारे इन हुक्मरानों ने हमें इसमें फंसा के रखा। और खुदा के बंदो, 76 सालों में अगर सोच मिल गई है ऐसी कि हम इकट्ठे हो गए हैं, खुदारा इस प्लेटफॉर्म को बचा के रखो, यहां से कुछ हासिल करके बाहर निकलो। ये कश्मीर नहीं पता करना हमने, हमने को इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं लड़नी। हमारा एक सस्ता आटा और सस्ती बिजली इशाफिया की बरात का खात्मा है, इसके अलावा और कोई इशू नहीं है हमारा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम लोगों से कि ये तहरीक आप लोगों की है, आप इसको स्टार्ट करने वाले हैं, इस तहरीक को खुदारा खराब ना करें। जब ये तय हो गया कि अगर हमें इन तीन चीजों के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो मैं मुजफ्फराबाद डिवीजन से मेजबानी करने आया था ना, मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसकी क्यादत करके मुजफ्फराबाद जाऊंगा। किसने आपको कह दिया हम पीछे हटेंगे? आप कबल अज वक्त बातें मत किया करें। जब हम एक एतमाद लेके आप लोगों का चल रहे हैं, तो कुछ चीजें हमें सोच समझ के करनी पड़ती हैं। एक्शन कमेटी पे एतमाद रखें, उमर नजीर पे एतमाद रखें, अपनी पुंछ डिवीजन की मेम्बरान पे एतमाद रखें। ना इन्होंने इससे पहले कभी किसी को बेचा, ना ये आइंदा बेचेंगे, ना किसी को बेचते देंगे। अगर हमें इनके ऊपर यकीन है, ये तो है ही आपके अपने, खुदा का वास्ता है, मत बदगुमानी पैदा करो। यही कुछ था, यही कुछ हमारे साथ 76 सालों से होता रहा, और हम जलीलो खुआर होते रहे हैं, और ये हुक्मरान ऐशियां करते रहे हैं। 53 इन्होंने बुजरा और मशीर बना के रखे हुए हैं। अब भी आप दोबारा उसी काम में घुसना चाह रहे हो। लिहाजा मेरी बात लंबी हो गई है, अगर मैंने कोई सख्त बात कर दी है, मैं हाथ जोड़ के पुंछ डिवीजन के तमाम भाइयों से, बुजुर्गों से माफी चाहता हूं। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि अगर हम 76 सालों में एक दफा इकट्ठे हुए हैं, खुदारा इस प्लेटफॉर्म को डिस्टर्ब मत करो। इस प्लेटफॉर्म से कुछ हासिल करके बाहर निकलोगे, यह प्लेटफॉर्म कायम रहेगा। और एक और बात, मेरे लिए, मैं अपनी जात की बात करूंगा, मेरी बात को समझना, मेरे लिए आटा बिजली मसला नहीं है, मेरे लिए मेरी शिनाख्त मसला है। आने वाले दिनों में आपसे आपकी शिनाख्त का पूछा जाएगा। लिहाजा आज अगर यह प्लेटफॉर्म बन गया है, यह आपकी शिनाख्त को बचाने वाला प्लेटफॉर्म है, इस बात को समझो, इस प्लेटफॉर्म को डिस्टर्ब मत करो। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, एतमाद रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो बात आप कह रहे हैं वही बात होगी, कोई दूसरी बात नहीं होगी।